छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय में कुलपति प्रोफेसर विनय कुमार पाठक की कोशिश रही है कि शिक्षा के मंदिरों में पठन पाठन नवीन प्रयोग हो और छात्रों में सीखने की प्रक्रिया में अभिवृद्धि हो। इसलिए प्रोफेसर पाठक विश्वविद्यालय में नवीन विचार, नवाचारों, नवीन उपक्रमों के लिए सदैव न केवल तत्पर रहते हैं बल्कि शिक्षकों को भी इसके लिए प्रेरित करते हैं। इसी कड़ी में विश्वविद्यालय में सूचना प्रौद्योगिकी विभाग UIET में रिफ्रेशर ऑन मशीन लर्निंग और केमिकल इंजीनियरिंग विभाग में कैमकेट सॉफ्टवेयर कार्यशाला का आयोजन किया गया। पेश है खास रिपोर्ट। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंप्यूटर साइंस का एक भाग है। ये पूरी तरह से कंप्यूटिंग सिस्टम पर आधारित है। AI का अंतिम लक्ष्य ऐसे उपकरणों का निर्माण करना है जो बुद्धिमानी से और स्वतंत्र रूप से कार्य कर सके और मानव श्रम और मैनुअल काम को कम कर सके। ये मानव वृद्धि की नकल करने के लिए मशीन लर्निंग का उपयोग करता है। इसका उपयोग दिनों दिन बढ़ रहा है। व्यापार, शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, ऑपरेशन, बैंकिंग, वित्त, कृषि और सरकारी कामकाज के अलावा अन्य कार्य में इसके प्रयोग से कई सारी चीजें बेहद आसान हुई हैं। कार्यशाला की समन्वयक डॉक्टर राशि अग्रवाल कहती हैं कि वर्तमान युग मशीन लर्निंग का युग है। छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट ने UIT में एक FDP स्पॉन्सर करवाया था फ्रॉम AICT एंड ISTE, विच इज़ द इंडियन सोसाइटी ऑफ टेक्निकल एजुकेशन। ये 6 दिवसीय प्रोग्राम था जो कि 18 फरवरी से 23 फरवरी तक चला। वी हैड 100 पार्टिसिपेंट्स विच केम अक्रॉस द कंट्री एंड ऐसे ही हमारे पास 18 स्पीकर्स थे फ्रॉम वेरियस IITs, NITs, IIITs, जिन्होंने हमें मशीन लर्निंग के बारे में बताया। मशीन लर्निंग इज़ अ सब पार्ट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विच इज़ द बज़ वर्ड। आजकल हर जगह AI के एप्लीकेशंस है, तो हमारे पास जो स्पीकर्स आए थे उन्होंने बहुत सारी एप्लीकेशंस हमें बताएं जो कि मेडिकल फील्ड से जुड़ी हैं, जहां एग्रीकल्चर में इसका यूज़ हो रहा है, वैसे ही हमारा एस्ट्रोनॉमी में इसका यूज़ हो रहा है। सो उसके अल्गोरिथम्स के बारे में फैकल्टी ने हमें जानकारी दी। साथ में CDRI, CRI से भी कुछ पार्टिसिपेंट्स थे और कुछ स्पीकर्स थे जिन्होंने हमें वहाँ की एप्लीकेशंस और वहाँ पे जो हमारे इंजेन्युइन इक्विपमेंट बन रहे हैं यूजिंग AI, उनके बारे में भी जानकारी दी। विश्वविद्यालय के केमिकल इंजीनियरिंग विभाग में कैमकेट सॉफ्टवेयर कार्यशाला में पाइपिंग और उनसे होने वाले प्रेशर ड्रॉप और ऊर्जा क्षति के बारे में बताया गया। इस संबंध में डॉक्टर विनय कुमार सचान का व्याख्यान हुआ। डॉक्टर सचान ने विभिन्न प्रकार के पाइप, उनसे संबंधित मानव मानकों के बारे में बताया। कार्यशाला के समन्वयक डॉक्टर अरुण कुमार गुप्ता ने चक्रीय प्रवाह और पर्ट स्ट्रीम के उपयोग को कैमकेट की मदद से समझाया। पंकज जी के मार्गदर्शन में उनकी प्रेरणा के स्वरूप आज UIT के इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में चली आ रही 6 दिवसीय कैमकेट कार्यशाला का समापन हुआ। कार्यशाला में हम लोगों ने बच्चों को इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन से जुड़े हुए सॉफ्टवेयर के बारे में बताया, बेसिक जानकारी दी, इंडस्ट्रियल प्रॉब्लम्स को लेकर कैसे सॉफ्टवेयर से बच्चे इसको सॉल्व करेंगे इसके बारे में जानकारी दी। बच्चे इन चीज़ों से काफ़ी उत्साहित थे। वर्कशॉप के आखिरी दिन में हमने आज बच्चों को ऑनलाइन क्विज भी अरेंज कराई है, जिससे हमने ये फीडबैक दे सके कि बच्चों ने कितना सीखा और बच्चों ने फीडबैक फॉर्म भी भरवाया गया जिसमें बच्चों ने काफ़ी अच्छा फीडबैक दिया है। हमारे कार्यशाला के समापन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में आज हमारे माननीय कुलपति प्रोफेसर विनय कुमार पाठक जी रहे उपस्थित रहे और हमारे ISCG रीजनल कार्बोनिंग सेंटर के चेयरमैन डॉक्टर राजेश कुमार कर, UIT डायरेक्टर डॉक्टर बिस्टी मित्रा ये सम्मिलित रहे। विभिन्न संस्थानों से आए हुए फैकल्टी मेंबर्स भी उपस्थित थे और इसमें छात्रों ने AITH कानपुर और गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज के बच्चों ने भाग लिया था। बच्चों ने ये समाज के लिए बहुत जरूरी है, ये बच्चों के इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस के लिए बहुत जरूरी कार्यशाला थी और हमारी कार्यशाला की सफलता इसी बात से माने रखती है कि बच्चों ने क्या सीखा और इसका ये क्या इंडस्ट्री में एप्लीकेशन करेंगे। दोनों कार्यशालाएं विधिवत और नियोजित ढंग से चली। इन दिनों कार्यशालाओं से प्रतिभागियों को काफ़ी लाभ मिला। इसके साथ ही इन कार्यशालाओं के माध्यम से प्रतिभागियों को नवीन विचारों, नवाचारों को जानने समझने का अवसर भी मिला। ब्यूरो रिपोर्ट, CSJMU न्यूज़।